Hello everyone, welcome to you all in Maths Online classes. This is for 4th standard. Today is 17th June 2021. Today is Thursday. So students, hum aapka chapter number 5th shuru kar rahe hain aaj, jo ki division hai aur wo aapke T1 ke syllabus ka pehla chapter hai. So aapka jo T1 ka syllabus hai, wo aaj hum shuru kar rahe hain aur uska pehla chapter division hai. To main aapko kuch examples aur kuch properties ke saath samjhane ki koshish karungi division. सो डिवीजन जो है उसको हम इक्वल ग्रुपिंग कहते हैं. फाइन, हम किसी भी चीज़ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसे हम डिवीजन कहते हैं. फाइन, सपोज हमारे पास यहाँ पे 20 बॉल्स हैं और हमारे पास 5 ग्रुप्स हैं. ठीक है, अब इन 5 ग्रुप्स में हमें इक्वली 20 बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 के टेबल को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे या आप देखेंगे कि 5 के टेबल में कितने सा 20 आता है. फाइन, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, आपको पता है 5 4 20 होता है. फाइन, तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं 5 4 20. इससे आपको क्या पता चला, 5 ग्रुप है, इन 5 ग्रुप्स में हम बॉल्स को यानी 4 बॉल्स को 4 4 बॉल्स हम 5 ग्रुप्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. फाइन, तो ये कुछ इस तरह की टर्म बनती है. अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कुछ इस तरह से लिखते हैं 20 और 5. ठीक है, 5 4 20 होता है, आपको पता है. ठीक, फिर हम ये जो यहाँ पे नंबर है इससे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नंबर आया उसको हम इसमें से माइनस कर देते हैं, यानी 20 माइनस 20 इज 0. रिमाइंडर यहाँ कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका नंबर कैसा है. ओके, तो ये जो नंबर है यहाँ जिससे हमने डिवाइड किया उसे हम डिवाइज़र कहते हैं. ओके, इस नंबर को यानी 20 जो यहाँ पे है उसे हम डिविडेंड कहते हैं. 5 4 से हमने 20 किया, 4 हमने यहाँ लिखा, इसे हम क्वेश्चन बोलते हैं. ओके, और ये जो नंबर यहाँ डिविडेंड है, इस डिविडेंड में से जो डिवाइज़र और क्वेश्चन को हमने मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया उन दोनों को जब हम माइनस करते हैं उसे हम रिमाइंडर कहते हैं. ओके, रिमाइंडर यहाँ 0 1 2 कुछ भी हो सकता है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. ओके, सो ये कुछ इस तरह की एग्जांपल्स हैं. और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह से लिखते हैं, 28 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 20 8. ठीक है, और जो रिमाइंडर आया आपका वो 0 आएगा. 4 आपका क्या है, डिवाइजर है. 7 जो है आपका क्वेश्चन है, ये आपका डिविडेंड है और ये आपका रिमाइंडर है. फाइन, तो ये कुछ एग्जाम्पल है. इससे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स भी आ सकते हैं. आप बस ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा पता होना चाहिए, अदरवाइज आपको फिर हम प्रॉपर्टी समझाएंगे, फिर हम आपको और भी मतलब एग्जाम्पल्स देके समझाएंगे जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा डिवीजन. ठीक है, तो हम कुछ प्रॉपर्टीज लेते हैं. आपका जो पहला प्रॉपर्टी है वो है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वेश्चन इज द नंबर इटसेल्फ. ठीक है, जब भी हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं वो नंबर वहीं का वहीं रहता है. आपको पता है 1 5 5, 1 6 6, 1 7 7, यानी 1 के साथ हम जिस भी नंबर को डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें वो नंबर एज इट इज़ वहीं रहता है. ठीक, यहीं इसका मतलब है पहली प्रॉपर्टी का. तो जब भी आपको किसी नंबर को 1 के साथ डिवाइड करना हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो नंबर यानी जो क्वेश्चन है वो एज इट इज़ वहीं रहेगा. ओके, इसी तरह से हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वेश्चन इज ऑलवेज 1. ठीक है, हमारे पास सपोज 5 है, 5 से हम 5 को डिवाइड करेंगे तो जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा 1 रहेगा हमेशा. ठीक है, चाहे नंबर जितना भी छोटा हो और जितना बड़ा क्यों ना हो, नंबर जो क्वेश्चन है हमारा 1 ही रहेगा. फाइन, इसी तरह से हमने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिया हुआ है, 291 में से हम 291 को डिवाइड करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो हमेशा 1 रहेगा. ओके, इसी तरह से आपकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है, व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर द क्वेश्चन इज ऑलवेज 0. हम किसी भी नंबर को 0 के साथ डिवाइड करते हैं जो हमारा क्वेश्चन है वो हमेशा 0 रहता है. फाइन, सपोज हम यहाँ पे लेते हैं 0 को हम 24 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 24 आएगा, यानी जो क्वेश्चन है वो हमारा हमेशा 0 आएगा. फाइन, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ एग्जांपल्स हैं आपके डिवीजन के. आप इनको थोड़ा रिवाइज करेंगे. कल हम आपका जो एक्सरसाइज 5.1 है
ओके हम इसको करेंगे और हम कल डिवीजन बाय ए यानी वन डिजिट डिवीजन डिवाइजर के साथ हम डिवाइड करना सीखेंगे. फाइन, तो आज हम इतना ही रखते हैं अपने क्लास में. सो कल हम मिलेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.1 के साथ. अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. अल्लाह हाफिज़.